हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मनीष त्रिवेदी लियो स्कूल से सीधा आपके बच्चों को आपको साथ मिलाऊंगा। अभी जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि शादियों का सीजन चल रहा है, आप लोग अभी शादियों में होंगे, आप लोगों के दूसरे जो बच्चे हॉस्टल में नहीं रहते वो शादियों में घूम रहे होंगे या कहीं और घूम रहे होंगे, पर मेरे यहाँ का अपना लियो का बच्चा जिसको आपने विश्वास के साथ हॉस्टल में रखा है वो अभी अपनी पढ़ाई कर रहा है। हम आपका कुछ समय लेंगे और अपने बच्चों से मिलेंगे कि बच्चों को कैसा लग रहा है लियो हॉस्टल में। एक पूरा रूटीन सेट कर रखा है हम लोगों ने लियो के बच्चों का कि कब उनको सुबह उठना है, कब उनको स्कूल जाना है, कब तैयार होना है, कब क्या करना है। शाम को टीचर अलग आते हैं, दिन में टीचर अलग आते हैं। एक पूरा माहौल बना रखा है ताकि बच्चे आगे जाकर कहीं अपना नाम रोशन करें। हमने सोचा है कि बांसवाड़ा के इस ज़िले में हम एक ऐसा हॉस्टल दें आपके बच्चों को ताकि आपके बच्चे को कोटा, सीकर, जयपुर, उदयपुर कहीं नहीं जाना पड़े, यहीं पर रहकर वो सारी सुविधाओं के साथ पढ़ाई कर सकें। आओ हम अब लाइव चलते हैं किसी एक क्लास में। जैसे कि ये क्लास है, इस क्लास को हम देखते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। कौन सी क्लास चल रही है? सिट डाउन। तो सर ये 10वीं बोर्ड का है? ओके, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। तो आप सब लोग हॉस्टल के हो? कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? चलो एक काम करते हैं, एक जना मुझे दो तीन बताओ कौन कहाँ कहाँ से। बेटा आप कहाँ से हो? छोटी सरवन से। कैसा लग रहा है आप? 10th में हो? ओके। बेटा आप कहाँ से हो? आनंदपुरी से। शेरगढ़? जालोद। जालोद गुजरात? आनंदपुरी। दानपुर। बेटा आप? कुशलगढ़। अभी आप लोगों की 10वीं की तैयारी हो रही है। मैं ये मैसेज आपके मम्मी पापा तक पहुंचा रहा हूँ कि आप लोग वहाँ शादियां मना रहे हो और आपके बच्चे अभी 10वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। बेटा आप कहाँ से हो? अर्थुना से हो? कुशलगढ़। सिट डाउन, बैठते जाओ। बांसवाड़ा से? बांसवाड़ा। शेरगढ़? क्या बात है। तो मतलब पूरे बांसवाड़ा जिले और आसपास के दाहोद गुजरात से भी आप लोग यहाँ पर पढ़ने आए। बहुत बढ़िया। तो अभी सर SST चल रही है आपकी और 10वीं की तैयारी इनकी करवाई जा रही है, सैंपल पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। लोग आओ। गुड इवनिंग, सिट डाउन। गुड इवनिंग। ये क्लास कहाँ, कौन सी है? 12th साइंस आर्ट्स कॉमर्स। ओके, RBSE की क्लास। क्या बात है। क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर अभी? ये अभी हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी पढ़ रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। 12th की तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही है? पक्का अच्छी चल रही है कि शादियों में जाने का मन हो रहा है? पढ़ाई पूरी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कौन अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से दे सकता है कॉन्फिडेंसली, ये बताओ। एक जना तो बोल सकता है ना, कौन बोल सकता है? वेरी गुड, तालियां बजाओ उसके लिए। देखो हाथ खड़े किए, शाबाश। बता दो। गुड, वेरी गुड। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? पढ़ाई कर रहे हो? बदमाशी कितनी कर रहे हो? थोड़ी सी कर रहे हो। आप बताओ कहाँ से हो आप, पहले तो ये बताओ। रियाना। ओके ओके। और कोई बांसवाड़ा से बाहर का भी है? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बाहर का? कहाँ से हो? डूंगरपुर सागवाड़ा से हो? क्या बात है। बेटा आप कहाँ से हो? हाँ, सज्जनगढ़ से हो? क्या बात है। आप? कुशलगढ़ से? क्या बात है। और गर्ल्स आप? सज्जनगढ़ से हो? चलो सिट डाउन, तैयारी करो। अब डेट CBSE की तो आ गई है, RBSE की भी आने वाली है, तो बहुत अच्छे से तैयारी करो। अगर कोई भी दिक्कत आती हो सर से पूछो, किसी और से भी कोई भी दिक्कत आती हो आप कहीं पर भी आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।
तो हम अभी एक और क्लास में पहुंच गए हैं। ये हमारे साइंस के बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। सही बात है, कर रहे हो सेल्फ स्टडी? क्या बात है, क्या पढ़ रहे, क्या कर रहे हो आप? ओके, बहुत बढ़िया, गुड। वेदिक आप मैथ्स पढ़ रहे हो, चलो सिट डाउन। तो मतलब ये क्लासरूम ऐसा है कि जिस बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ना है, डाउट पढ़ना है, वो पढ़ रहा है, यहाँ पर अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा है। सिट डाउन, चलो बहुत बढ़िया, गुड। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये बच्चों का डेकोरम बना हुआ है पूरा। बच्चे यहाँ पर अभी शाम को, रात को पूरा पढ़ेंगे, दिन में खेल कर आए, शाम को अभी वापस ये पढ़ाई करेंगे। उसके बाद इनका खाना तैयार है, खाना खाएंगे। उसके बाद 10वीं और 12वीं के छात्र फिर से यहाँ पर आएंगे और फिर से यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। उनका पूरा का पूरा टीचर यहाँ पर रहेंगे रात को 12 बजे तक। हम लोग कभी रात को 12 बजे भी आपको लाइव करेंगे और रात को 12 बजे भी लाइव में हम आपको बताएंगे कि कैसे यहाँ के बच्चे किस हिसाब से पढ़ रहे हैं, किस हिसाब से वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, टीचर उनके ऊपर कितना ध्यान दे रहे हैं और सारी चीज़ें। एक और क्लास हमारी चल रही है, हम इसमें भी चलते हैं। ये हमारी क्लास किस सब्जेक्ट की क्लास है बेटा? ये साइंस। कौन सी क्लास? सिट डाउन। सर क्या पढ़ा रहे हो आप? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जी। बहुत बढ़िया। 10th क्लास है ये? 10th क्लास है, RBSE। बहुत बढ़िया, गुड। कैसा लग रहा है यहाँ पर? है तैयारी पूरी बोर्ड की? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया। बांसवाड़ा से बाहर का कौन है? डूंगरपुर के कितने बच्चे हैं? क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर, पढ़ाई का बढ़िया है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? कहाँ से हो आप, खड़े होके बताओ बेटा। डूंगरपुर साबला से है, क्या बात है। आप कुशलगढ़ से हो, गुड। आप बेटा कहाँ से हो? डूंगरपुर सिमलवाड़ा से ही हमारे बच्चे हैं। प्रतापगढ़ दरियाबाद, क्या बात है। मतलब बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ संभाग के तीनों जिलों के बच्चे यहाँ पर मौजूद है। और ये तो डूंगरपुर से सिमलवाड़ा यानी गुजरात बॉर्डर आ गया, गुजरात बॉर्डर से भी बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया बात, पढ़ाई करो आप बहुत अच्छे से। और आप कहाँ से हो? क्या बात है, बहुत बढ़िया। यहाँ अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? थैंक यू। पढ़ाई करो, तो हम एक बार फिर थोड़े दिनों बाद आपसे मिलेंगे और आपके बच्चों से भी आपको वापस से बात करवाएंगे। कभी हो सकता है कि हम ऐसे ही रात को 11 बजे यहाँ पर आए, रात को 12 बजे आप आए यहाँ पर। आप देखेंगे ये हमारा हॉस्टल 24 घंटे चलता है, कभी भी यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं है। आपके बच्चों को पढ़ाई करवानी, हमारा एक ही उद्देश्य है कि यहाँ का बच्चा पढ़ाई करे। अभी ये वाली जो विंग है वो पूरी की पूरी 10वीं और 12वीं वालों की विंग है। ठीक मेरे उस साइड आप जाएंगे जो ये पूरा कॉरिडोर है, वहाँ पर 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी बैठे हैं और ठीक उसके पीछे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं वो भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। यानी कि पूरा का पूरा हॉस्टल इस समय हर क्लासरूम में है, मेरे वार्डनों के साथ है, जो टीचर है उनके साथ है और सब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग अब एग्जाम टाइम आने वाला है, पढ़ाई करवाएं। अभी उन बच्चों को खेलने के साथ साथ पढ़ाई और सारी सुविधाएं इस हॉस्टल में हम देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और फिर एक बार कनेक्शन आप लोगों के साथ करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।